नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक ठुरेला ब्रेन एक्सचेंज लैब की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन के अंदर। तो इंटरेस्ट एंड स्किल ये क्या होती हैं, कैसे पता लगाया जा सकता है कि मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है, मेरी स्किल मेरे अंदर क्या है, और करियर मैं किस बेस पे चुनूं, अपने इंटरेस्ट के बेस पे चुनूं या अपने स्किल के बेस पे चुनूं। यह एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर उस बच्चे के अंदर आता है जो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करके अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ना चाहता है, या फिर 10th 12th करने के बाद वो कॉलेज के अंदर किस स्ट्रीम को चूज़ करे, उस फील्ड में वो जाए, ये सब वो चूज़ करना चाहता है। तो हम कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं हमने बहुत सारी मूवीज़ देखी, उन मूवीज़ के अंदर आया कि इंसान को अपने इंटरेस्ट की तरफ जाना चाहिए, उसका जो इंटरेस्ट है उसमें आगे बढ़ना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूँ, 3 Idiot एक मूवी आई थी, और 3 Idiot मूवी के अंदर एक मैसेज मार्केट में गया, दुनिया के सामने आया कि बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको उसी फील्ड में भेजेंगे तो बच्चा कामयाब हो जाएगा। एक्चुअली ये मैसेज इस मूवी में था ही नहीं, इसको गलत इंटरप्रेट किया गया, लोगों ने इसको गलत समझा, और उसके बाद बहुत से माँ बाप ने अपने बच्चों के ऊपर पैसा लगाया, कुछ का यूज़ हुआ, कुछ का वेस्ट हुआ, उसका टाइम गया, टाइम यूज़ हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, सिर्फ इस मैसेज को गलत समझने के तौर पर। दोस्तों मूवी चाहे वो 3 Idiot थी, तारे ज़मीन पे थी, जिसके बाद से हमारे पेरेंट्स के अंदर या जितने भी नौजवान हैं उन सब के अंदर ये जोश पैदा हुआ कि मुझे अपने इंटरेस्ट की तरफ जाना चाहिए, ये मैसेज थोड़ा सा गलत था। इस मैसेज को एक्चुअली ऐसे कहा गया था, जिस चीज़ में आपकी स्किल है। अगर आप 3 Idiot मूवी को देखेंगे तो उसमें बताया गया कि वो फोटोग्राफी पे जाना चाहता है, फोटोग्राफी में अगर वो पर्सन जाना चाहता है तो वो इसलिए जाना चाहता है क्योंकि उसके अंदर फोटोग्राफी की स्किल है। मूवी में बार बार ये दिखाया गया कि वो बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, वो बहुत अच्छा है, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, उसकी स्किल भी थी उसके अंदर। सिर्फ इंटरेस्ट होने से करियर का डिसीजन नहीं लिया जा सकता दोस्तों। आप सोचते हैं कि चलिए मेरा इंटरेस्ट है, मैं क्रिकेटर बन जाऊं, 140 करोड़ की आबादी है, कम से कम 50% के आसपास हमारे पास यूथ है, इतने में से ये मान के चलिए अगर 10 करोड़ बच्चे भी इंडिया में क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आपका नंबर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बहुत पीछे है, और टैलेंट की कमी हमारे देश में है ही नहीं। हाँ वैसे ये बात गलत है, ज़्यादा ओलंपिक गोल्ड हमारे पास आते नहीं हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन मुद्दा ये है कि भैया मेरे पास स्किल है या नहीं है। इंटरेस्ट पैदा किया जा सकता है, आज मेरा इंटरेस्ट है, जैसे बचपन में सबका इंटरेस्ट शक्तिमान था, मेरी उम्र के जितने लोग थे शक्तिमान बनेंगे, सुपरमैन बनेंगे, बैटमैन बनेंगे, ये मूवीज हीरो ये मूवीज आती थी। उसके बाद अब चेंज हो गया ट्रेंड, कैप्टन अमेरिका बनेंगे, आयरन मैन बनेंगे, या और कोई सुपर हीरो है वो सुपर हीरो बनेंगे, या और कोई सुपर हीरो है वो और कोई सुपर हीरो बनेंगे। कोई डॉक्टर बनना चाहता है बचपन में, थोड़ा बड़ा होगा पर समझ में आया डॉक्टरी काम की नहीं है तो इंजीनियरिंग ले लेंगे, इंजीनियरिंग काम की नहीं है कुछ और कर लेंगे। अब क्या हो रहा है, उनका इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। कई बच्चे हैं जिनको आज क्रिकेटर बनना है, कल हॉकी खेलनी है, परसों बैडमिंटन खेलना है, फिर टेनिस खेलना है, आजकल जेवलिन थ्रो में हमारे पास गोल्ड आया है, पहला ही गोल्ड है तो समझ लीजिए हमें जेवलिन थ्रोअर बनना है। इंटरेस्ट जो है वो समय के साथ चेंज होता रहता है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो दूसरों के इंटरेस्ट को, दूसरों को देख के अपने आप के अंदर इंटरेस्ट पैदा करते हैं, कुछ किसी की गाइडेंस से चल जाते हैं, कुछ लोग अपना ही मन बना लेते हैं कुछ नया करना है। इस सब में क्या होता है, टाइम एनर्जी मनी वेस्ट होता है। इस टाइम एनर्जी मनी को कैसे बचाएं, सही करियर कैसे चुने। इंटरेस्ट अच्छी चीज़ है, देखिए इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट कैन बी क्रिएटेड। आप किसी भी काम में अपना इंटरेस्ट बना सकते हैं अगर उस काम में आप अच्छे हैं, अगर वो काम करते वक्त आपको अप्रिसिएशन मिलता है तो आपका इंटरेस्ट अपने आप आ जाएगा। अरे भैया आप चाय बनाते हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं है किचन में जाने का, लेकिन आपकी चाय पीते ही सब तालियां बजाते हैं, वाह तारीफ करते हैं, तो चाय बनाने में इंटरेस्ट तो आपका अपने आप पैदा हो ही जाएगा, और उससे पैसा भी अगर कमा रहे हैं तो। दोस्तों सिंपल सी चीज़ है, इंटरेस्ट बेस पे नहीं जाइए, स्किल को ढूंढिए। अब स्किल को ढूंढने का तरीका क्या है, हमारे पास एक टेस्ट है DMIT, डर्मेटोग्लाफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे के अंदर या आपके अंदर क्या स्किल है बाय बर्थ, जब आप पैदा हुए थे किस हुनर के साथ पैदा हुआ था, आपका दिमाग किस तरह के काम के लिए बना है, और अगर उस काम में आपको प्रैक्टिस किया जाएगा, आपको टाइम दिया, एनर्जी लगाई जाएगी, तो आपके काम होने की प्रोबेबिलिटी, आपके कामयाब होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैंने काम होना बोला, सॉरी, कामयाब होने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है और वो काम आपके लिए अच्छा हो जाता है, मज़ेदार हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं
आपका बच्चा आप अपनी लाइफ में एक सही करियर ढूंढे। अगर आप अपने पिछले करियर से परेशान हैं, जो करियर आपने पहले चूज़ किए हैं वो एक्सपेरिमेंट आप अपनी लाइफ में काफ़ी कर चुके हैं, उन सब से परेशान हैं, आप अपने बच्चे के सही करियर के लिए परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को ध्यान से समझें। DMIT टेस्ट अगर आप कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा अच्छी वीडियोस आपको चाहिए और ज़्यादा प्रीमियम प्राइम वीडियोस हमारी चाहिए, ज्वाइन बटन पर जाके ज्वाइन करें हमारे चैनल को। थैंक्स बटन पर जाके अपना प्यार दिखा सकते हैं अगर हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आपको अच्छा लगा हो। और अगर आप हमसे DMIT का सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, आप DMIT की काउंसलिंग सीखना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगला वीडियो के अंदर।